गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का जो ये व्लॉग है ये स्टार्ट करी मैं पिक्चर्स से। इस पिक्चर में जो ये दिख रही है ना आपको, मेरी भाभी जो बड़े आराम से खड़ी हैं, बस यही वो फ़ोटो है, यही वो फ़ोटो है जो खिंचाने के बाद जब ये स्टेयर से उतरी तो इनकी जो एडी थी ना वो थोड़ी सी मुड़ गई और हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। तो जब शादी ख़त्म हुई ना तब तक ये सब कुछ हुआ। हाँ, ये वैसे जो ये चीज़ हुई थी ये जब शादी के बीचों बीच ही हो गया था, लेकिन शायद इतना लगा नहीं कितना ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया। और अब है नेक्स्ट डे का, मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं वीडियो नहीं बना रही थी, स्टार्टिंग मैंने नहीं की थी और मेरी भांजी ने ही शुरुआत कर दी है वीडियो बनाने की। ये जो सब्जियाँ हैं ये दीदी और मेरी मासी ने भेजी थी और ये एक या दो दिन बाहर रही हैं, तो हमें लगा जल्दी जल्दी से इनको छान के काट के ही रखते हैं सो दैट कि ढंग से इसको यूज़ कर सके। और यहाँ देखो क्या हो क्या रहा है। और प्लीज़ 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 इग्नोर करना घर को, क्योंकि जब कोई आता है ना तो ऐसा ही होना चाहिए वैसे, क्योंकि उनको इंजॉय करने देना चाहिए। हाय डुबू। हाय, व्हाट्स अप शामी? शामर्ट, ये शामर्ट को लगा दो शीशा लगा दो, गॉगल लगा दो। बाकी मार्केट बारी सेक्टर टू जाना। दीदी प्लीज पुट ऑन योर मास्क। देख रही थी मैं आपको इसलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी शाम के टाइम आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सुबह से बहुत बिजी है एक्चुअली। व्लॉग तो शुरू से सुबह से भी शुरू किया है, बट वो मैंने खुद ने शुरू नहीं किया है, वो मेरी दीदी मेरी भतीजी ना मेरी भांजी, हाँ उसने शूट किए हैं बहुत सारे, तो वो मैं डालूंगी क्लिपिंग्स। और अभी हम लोग जा रहे हैं रॉक गार्डन और सुखना लेक। पहले कहाँ जाएंगे ये मेरे को पता नहीं है अभी, बाकी रास्ते में देखते हैं। राजपाल ब्रदर्स भी ले लिए हैं, ये जो आपने कोट पैंट लटकाया हुआ ना इसको नीचे। नहीं नहीं ठीक है, लटके घूम ही रहे बेचारा ये। वो तो सिलवटे तो नहीं पड़ेंगे इसमें, यहाँ से टर्न लिया ना आगे दौड़ते हुए। मेरा दिल तोड़ते हुए, मेरे को क्या रखा है दीदी ऐसा। चंडीगढ़ में एंटर नहीं हुए ना, नहीं पता यहाँ यहाँ लिखा नहीं है ना कि चंडीगढ़ आपका स्वागत करता है हिमाचल की तरह। जाएंगे ना जैसे ड्रेसेस, एक बैग छोड़ देंगे तेरे पास बड़ा। क्या है दीदी? कैमरा इज टुवर्ड्स यू। ऐसी चीज दिखानी चाहिए है ना सच्चाई। फिर औरतों को बोलने जाएगा सब पति ऐसा ही करता है। दीदी बहुत अच्छा स्कूल है ये। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन। और सच कहूँ तो ना बहुत ऐसे टाइम पर पहुँचे कि जब अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, आई थिंक 7 o'clock ही बंद भी हो जाता है, तो हम लोगों को 7 o'clock से पहले पहले ही बाहर आना पड़ेगा। दो बार मम्मी हम
क्या हुआ? यहाँ इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी रॉक गार्डन में, जबकि अब मौसम काफी चेंज हो चुका है। मतलब मास्क पहना ना, मुझे मास्क पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती इतनी, बट सच बताऊं तो यहाँ पर तो बहुत बुरी हालत हुई। इवन ऐसा लग रहा था कि यार कहीं साइड में जाके मास्क उतार के थोड़ी देर बैठ जाओ, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मास्क के साथ। रॉक गार्डन की खास बात ये है कि जो वेस्ट मटेरियल्स थे ना, उससे रॉक गार्डन को एक्चुअल में बनाया गया है। हम तो केव्स में आ गए हैं ना, मिलेंगी चूड़ियाँ, मिलेंगी टाइल्स, मिलेंगी कुछ मटके, मिलेंगे बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं। उन वेस्ट मटेरियल्स को इकट्ठा करके ये सब कुछ बनाया गया है, और बहुत ही मतलब अच्छी जगह है, बट फिलहाल बहुत गर्मी लग रही थी। अब तो केव में आ गई, वो देखो यहाँ पर आप अपना पोर्ट्रेट भी बना सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर बना रखा था। बट एज यूजुअल अगर हमने कुछ भी करवाना तो हमारे पास टाइम था ही नहीं, तो हमने बस घूमने पे ध्यान दिया। अच्छा ये दोनों साथ से हाउस इसमें राजस्थान वगैरह का पिक्चर। दीदी ये देखो, ये अक्षरधाम के अंदर इस टाइप से मुझे लगा कोई बैठा हुआ है। नो नो क्यों लिखा हुआ है? ऐसे पढ़ा रहे हैं यहाँ पर गांव की पाठशाला करती। अच्छा हाँ, हम लोग सुखना लेक आ चुके हैं। खाना चाहिए कुछ? मैंने तो नहीं खाना, आप ले लो जो आपको लगता है, भूख तो लगी हुई है कुछ कुछ खाने का।
आप बताओ। सुखना लेक पहुंच के ना तो दिखा। अभी स्टॉप क्यों है, चल क्यों नहीं आगे? अच्छा पीहू बोल रही है ना, पीहू आ रही है क्या? आराम आराम से आना पीहू, स्लोली स्लोली आग में नीचे। एट लास्ट हम घर पहुंचे, और जब तक मैं घर पहुंची तब तक मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मेरी भाभी यहाँ पर मेरा सिर दबा रही हैं, और अपना पैर इनका प्रॉपर दिख नहीं रहा है यहाँ से, बट वो भी मैंने बताया था कि एक फ्रैक्चर हो रखा है वहाँ पर, तो बैठे बैठे जिसका फ्रैक्चर हो रखा है वो मेरा सिर दबा रहे हैं यहाँ पर। और अब जो आज का व्लॉग है इतना खतरनाक है, मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों से मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले व्लॉग के लिए बाय बाय। क्या हुआ मैसी आपको? मेरी भी ऐसी होता है कि बुरी हालत सी।